नमस्कार दोस्तों, अगर तुम भी नेचर लवर हो तो हिल स्टेशन की ट्रिप तुम्हारे लिए बेस्ट है। चलो मेरे फेवरेट हिल स्टेशंस के बारे में बात करते हैं। पहाड़ों पर घूमना मुझे हमेशा एक्साइटेड करता है। जब भी मैं किसी हिल स्टेशन जाता हूँ, वहाँ की फ्रेशनेस, हरियाली और ठंडी ठंडी हवा मुझे रिफ्रेश कर देती है। मेरा सबसे फेवरेट है मनाली। मैंने अभी तक मनाली नहीं देखा है, लेकिन वहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और ब्यास नदी का सुकून भरा पानी दिल को खुश कर देता है। एक और जगह जो मुझे बहुत भाती है वो है नैनीताल। नैनी झील में बोटिंग और आसपास की खूबसूरत वादियों का नजारा अलबेला होता है। तुम्हें कैसा लगता है? चलिए आज मैं आपको मनाली की सैर करवाता हूँ। चलो एक साथ इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते हैं। मनाली तो है ना हिमाचल का प्यारा सा हिल स्टेशन, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और चिल वाइब्स के लिए फेमस है। वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बहती नदियां सब मिलकर आपको एक दूसरी ही दुनिया में ले जाते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, मनाली में हर सीजन की अपनी अलग ही बात है। समर में मौसम बहुत ही सुहाना होता है, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बेस्ट, और विंटर में तो बर्फ से ढकी पहाड़ियां स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है। मनाली में घूमने की जगहों की बात करें तो सबसे पहले आता है हिडिंबा देवी मंदिर, जो अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। फिर है वशिष्ठ कुंड, जो अपने गर्म पानी के झरनों से मशहूर है। थ्रिल और एडवेंचर के लिए सोलांग वैली में आप पैराग्लाइडिंग, जिपलाइनिंग जैसी एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हो। और हाँ, रोहतांग पास भी है, जो मनाली से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। बर्फ से खेलने और नजारों का लुत्फ उठाने के लिए तो यह प्लेस बहुत ही बढ़िया है। अगर आप नेचर लवर हो तो मनाली में आपको हर तरफ कुछ न कुछ खूबसूरत देखने को मिलेगा। वहां की हरियाली, फ्रेश हवा और शांत माहौल आपके मन को तरोताजा कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मनाली घूमना चाहते हो तो बैग्स पैक करो और निकल पड़ो। यकीन मानो, इस ट्रिप का हर लम्हा यादगार बन जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।